नमस्कार, निशा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुमार भट्ट। आपको बता दें कि आज देश भर में राष्ट्र पर्व के रूप में 72वें गणतंत्र दिवस को मनाया जा रहा है। इतना नहीं, आपको बता दें कि कोविड-19 के बाद ये कहीं ना कहीं पहला ऐसा गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता दिवस भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली साबित हुआ था, उस पर कोविड-19 की जितनी भी समस्याएं आई थी वो प्रभावशाली साबित हुई है। लेकिन 26 जनवरी को लेकर आज पुनः लोगों में हर्षोल्लास पूरी तरह से पर्याप्त है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी आज कहीं ना कहीं राजपथ में होने वाले अयोध्या राम मंदिर से संबंधित रैली और झांकियां निकाली जा रही है, जो कहीं ना कहीं इस गणतंत्र दिवस को और भी ज़्यादा खूबसूरती प्रदान करेगा। आपको बता दें कि जम्मू जिले के झाझा में व्यापार संघ के कार्यालय में सर्वसहमति से सभी लोगों ने अपनी सम्मिलित भागीदारी उपस्थिति के साथ निभा कर यहाँ पर गणतंत्र दिवस में आया है। हम आपको एक छोटा सा विजुअल दिखा दें जिसके माध्यम से आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज ये पहला गणतंत्र दिवस होगा जहां राम मंदिर अयोध्या को लेकर भी भव्य झांकियां दिल्ली के राजपथ में निकाली जाएंगी। इसके बाद आपको बता दें कि जम्मू जिले के झाझा आदर्श थाना झाझा में झंडोत्तोलन की सारी प्रक्रिया परेड के साथ संपन्न की गई है। हम आपको छोटे छोटे विजुअल दिखाते हैं कि यहाँ पर व्यापार संघ के अलावे भी झाझा नगर पंचायत एवं आदर्श थाना झाझा में किस प्रकार से झंडोत्तोलन किया गया और इतनी ज्यादा महामारी के बाद भी लोगों में किस प्रकार का हर्षोल्लास के साथ उत्साह उमड़ पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है वैक्सीन आ जाने से लोगों में डर कम हो गया है। इसी वजह से लोग खुले दिल से पूरे हर्षोल्लास के साथ 26 जनवरी 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर झाझा वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। पूरा झाझा क्षेत्र में अमन चैन हो, सुख समृद्धि हो, यहाँ के वासी अमन चैन से रहें, आपसी सद्भाव बनाए हुए रखें, यही मेरी शुभकामनाएं। आपने देखा कि आदर्श थाना झाझा के पदाधिकारी व नगर पंचायत में किस प्रकार से यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं की गई थी और कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस का भी अनुपालन किया गया। बीएमपी और एसटीएफ के जवान भी मौजूद थे जो परेड में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो तमाम आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशनल न्यूज़। धन्यवाद।